अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, जिन्हें डांसिंग दीवा के नाम से जाना जाता है, उनका एक वीडियो इस वक्त चर्चा में बना हुआ है। इस वीडियो में माधुरी अकेली नहीं बल्कि नौरा फतेही के साथ अपने आइकॉनिक गाने मेरा पिया घर आया पर जबरदस्त डांस करती नजर आ रही हैं। इस वीडियो को माधुरी ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। यह वीडियो डांस रियलिटी शो डांस दीवाने 3 के सेट पर शूट किया गया है। दोनों अभिनेत्रियों को एक साथ स्टेज पर देखना फैंस के लिए किसी सौगात से कम नहीं। यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बॉलीवुड के शानदार अभिनेता और अपने अतरंगी अंदाज के लिए सुर्खियों में रहने वाले रणवीर सिंह के हाथ जैकपॉट लग चुका है। रणवीर दक्षिण भारत के दिग्गज निर्देशक शंकर की आगामी फिल्म में मुख्य किरदार निभाएंगे। इस खबर को रणवीर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर के साथ शेयर किया। बता दें कि यह फिल्म 2005 में आई सुपरहिट फिल्म अनियन का हिंदी अडेप्शन है। यह एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में विक्रम ने मुख्य भूमिका निभाई थी, जो मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार होता है। रणवीर के साथ हिंदी में बन रही फिल्म का शीर्षक अभी तय नहीं हुआ है। रणवीर इस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं। इसके अलावा रणवीर आगामी फिल्म 83 में नजर आएंगे। कबीर खान द्वारा निर्देशित इस फिल्म में रणवीर कपिल देव का किरदार निभाने जा रहे हैं। इसके अलावा रणवीर रोहित शेट्टी की फिल्म सर्कस का भी हिस्सा है। आगामी फिल्म न्याय द जस्टिस का टीजर और पोस्टर मंगलवार को रिलीज किया गया। ये फिल्म सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर आधारित बताई जा रही है। फिल्म में सुशांत और रिया चक्रवर्ती के रिश्ते को दिखाया गया है। सुशांत का किरदार जुबैर खान ने निभाया है, जबकि रिया का किरदार श्रेया शुक्ला ने निभाया है। ये फिल्म 11 जून को रिलीज होगी। एक लोकप्रिय अभिनेता महेंद्र सिंह के अपने घर पर आत्महत्या करने की खबर से टीजर की शुरुआत होती है। टीजर में आगे यह भी दिखाया गया है कि कैसे भारत की 3 सबसे बड़ी जांच एजेंसियां यह पता लगाने के लिए काम कर रही है कि उनकी मौत आत्महत्या या योजनाबद्ध हत्या थी। निर्देशक दीप गुलाटी ने कहा, मैं सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में जानकर स्तब्ध रह गया। हालांकि मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था, लेकिन सभी की तरह मैंने भी उनके लिए वैसा ही महसूस किया जैसा कोई अपना चला गया हो। फिल्म के माध्यम से लोगों के बीच एक संदेश भेजना चाहते हैं कि आत्महत्या विकल्प नहीं है। ये फिल्म एक्टर के लिए श्रद्धांजलि है। सरला ए सारवगी और राहुल शर्मा द्वारा निर्देशित फिल्म दिलीप गुलाटी द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म में अमन वर्मा, असरानी, शक्ति कपूर, सोमी खान और सुधा चंद्रन भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। बता दें कि 34 साल के सुशांत पिछले साल 14 जून को अपने मुंबई अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा अक्सर अपनी शानदार फिटनेस को लेकर सोशल मीडिया के जरिए सुर्खियों में रहती हैं। इस वक्त उनकी कुछ तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, जिनमें वह अपनी खूबसूरत डायमंड रिंग फ्लॉन्ट करते हुए नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद मलाइका के फैंस ने उनकी सगाई की कयास लगानी शुरू कर दी है। फैंस अर्जुन कपूर का नाम लेकर उन्हें बधाई देने लगे हैं। उन्होंने अपनी जो 2 तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें वो एक डायमंड रिंग पहने नजर आ रही हैं। एक तस्वीर में मलाइका लाइट पीच कलर की नेट वाली ड्रेस पहने काफी खूबसूरत लग रही हैं। वहीं दूसरी में सिर्फ डायमंड रिंग पहने उनका हाथ नजर आ रहा है। बता दें कि अभिनेता अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा अक्सर अपने रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। इन लव बर्ड से जुड़ी खबरों को फैंस हमेशा जानना चाहते हैं। दोनों अक्सर अपनी वेकेशन भी साथ में एंजॉय करते नजर आते हैं। INS रिपोर्ट। Subscribe to our channel. Just click on the bell icon for all the latest updates.